अरे ये क्या हाल बना के रखा है रूम का? हाँ माँ, मैं कर दूंगी, आप रहने दो। नहीं नहीं, ऐसे बिखरा हुआ नहीं चलेगा, सीख जा वरना कौन शादी करेगा तुझसे। क्या माँ, आप भी इस चीज को शादी से रिलेट कर रहे हो, और वैसे भी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। इतनी बड़ी हो गई फिर भी सब समझाना पड़ता है, इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? सब बिखरा बिखरा। ये क्या है, ये तेरा तो नहीं लगता। हाँ माँ, वो मेरा ही है। ये तो लड़के का लग रहा है, क्योंकि ऐसे कपड़े कंफर्टेबल होते हैं। माँ कुछ तो गड़बड़ है, क्या छिपा रही है मुझसे? कुछ नहीं छुपा रही माँ, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे सब पता है, घर से बाहर रह के सब क्या करते हैं। माँ मुझ पे शक कर रहे हो? घर पे तो तूने लड़कों वाले कपड़े कभी नहीं पहने, तो यहाँ क्यों? चलो माँ, मुझे अब कॉलेज जाना है। नहीं नहीं जाना नहीं है, बैठ अभी। सच सच बता, क्या चक्कर चल रहा है? कोई चक्कर नहीं चल रहा है माँ। माँ हूँ मैं तेरी, कुछ छिपा रही है तू मुझसे? हाँ है एक लड़का। कब से? 3 साल से। उसके कपड़े यहाँ कैसे? माँ वो कभी कभी मुझसे यहाँ मिलने आता है। Have you? जवाब दे, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। हाँ। इन सब चीजों के लिए भेजा था तुझे? बाप नहीं है तेरा, लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा? पाई पाई जुड़ के मैंने तुझे दूसरे शहर भेजा ताकि तू पढ़े, नाम कमाए, और यहाँ आके तूने ये कुल खिलाए? बोल अब चुप क्यों है? क्या क्या जानते हो माँ आप उस लड़के के बारे में? वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है माँ, वो धोखा नहीं देगा मुझे। माँ हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, और मैं समाज के बारे में क्यों सोचूं? मैं औरों की चिंता क्यों करूं? आपने मुझे बड़ा किया है, जब पापा नहीं थे तो वो लोग नहीं आए थे हमें संभालने। माँ आप एक बार प्लीज उसे मिल तो लो। हेलो, हेलो, कहाँ हो? मैं घर पे हूँ दीदी। अच्छा आपको बाहर से नहीं, मैंने हमारे लिए टेबल बुक किया है। नहीं वो मेरी मॉम आई है ना, तो मैं नहीं आ सकती। ओ, तुमने मुझे बताया नहीं मॉम आए हैं? चलो फिर उन्हें भी साथ ले लो, आज सबके साथ ही डिनर करेंगे। मिलना चाहती हूँ।